विजय दिवस यानी कि 26 जुलाई 1999 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। और इसी दिन कारगिल चोटी को भारतीय सेना के जाबाजों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ कर मुक्त कराया था। ऑपरेशन विजय की 21वीं वर्षगांठ यानी कि कल रविवार को मनाई जाएगी। शहीद जवानों की शहादत को याद किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कारगिल क्या है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन तलवार क्या है। ऐ सरजमी हिंदुस्तान, तेरे अनजाने सारों जवाजों, शहीदों और मुहाफिजों को मेरा सलाम है, सलाम सलाम, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। जुलाई 1999 कैसा यादगार दिन, जो देश के गौरवशाली इतिहास में ऑपरेशन विजय की एक अजर अमर गीत का स्वर्णिम अध्याय जोड़ गया। महाविजय की वो पावन पुनीत घड़ियां जब हर भारतीय का राष्ट्र प्रेम अपने उफान पर था, मानो कई वर्षों के प्रतिफल संघर्ष का इतिहास उन चंद लम्हों में सिमट आया हो। देश का हर कोना, हर गली, हर घर मां भारती के जयकार से गुंजायमान था। 1947-48 में पड़ोसी मुल्क द्वारा हम पे थोपे गए पहले युद्ध से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, उरी और बालाकोट जैसे तक भारतीय इतिहास भारतीय सैनिकों की अद्भुत वीरता की गाथाओं से लबालब। लेकिन इन सबके बीच बहादुरी और बलिदान की एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी दास्तां जो अपने आप में बेमिसाल है। 15,000 फीट से भी ऊंची बर्फीली चोटियों पर भारतीय रणबांकुरों ने जो इतिहास रचा, उसका कोई दूसरा सानी नहीं। कारगिल द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपुला रिजलाइन, कारगिल के आसपास का बटालिक सेक्टर, चोरबाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुरतुक पर पाकिस्तानी फौजी ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका शत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था, प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की कुछ चेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तानी के इस छुपकर हमले करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया, तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते ही युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की है जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की बारी थी। पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता
और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्ब्यार जैसे दिलेर फाइटर पायलट्स कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेन सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है दुश्मन। द रेडियो सेट आफ्टर द अनदर मंकर वाज कैप्चर्ड द माय कंपनीज सक्सेस के नंबर। ये दिल मांगे मोर। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपने माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है। कारगिल की यह विजय उस समय भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बड़ो आगे मत रुको, पूरी शक्ति सहित पूरी निर्भयता से हर असंभव पहाड़ पर इसी तरह चीर दिए। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा। तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा, विजय दिवस कहलाएगा।